बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। माय नेम इज़ मैमूना सजाद। आज हमारा टॉपिक है, हमने करना है आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। वैसे आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में से, फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज, फाइंड द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। उन्होंने का रियल वैल्यूड फंक्शन को फाइंड करें, जो कि क्या है उसमें उन्होंने 3 हमें ऑप्शन 3 दे दिए हैं, 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, यानी हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहला क्या है, ए इसका पार्ट है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, पहले हमने इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है एफ इनवर्स ऑफ माइनस वन। ठीक है, यानी क्या है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, माइनस वन कर दिया। एंड वेरीफाई एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। वो कहते हैं ये चीज़ आपने वेरीफाई करनी है कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं और एक्स से इक्वल आती है। हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है और लास्ट पे दो चीज़ें फाइंड करनी है और लास्ट पे इसको हमने क्या करना है, वेरीफाई कर देना। चले अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8। यहाँ ये हमें क्या है, फंक्शन दे दिया है माइनस 2x प्लस 8। अब हमने क्या करना है, इसको लेके हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा, मैंने सोल्यूशन मैं करती हूँ इसका, कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। मैंने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स को क्या किया, वाई के इक्वल क्या दिए। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स हमारा वाई के इक्वल होता है। हाँ जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मेरी एक्स एफ की पावर 1 थी। ठीक है, अदर साइड पे क्या आ जाएगी, इनवर्स एफ यहाँ पे पॉजिटिव, अदर साइड पे जाके आ जाएगा एफ इनवर्स हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई बन जाएगा। अब y यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरा था, एफ ऑफ एक्स मेरा y के इक्वल था, सो मैं एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे y लिख सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे भी यही किया कि एफ ऑफ एक्स या क्या क्वेश्चन में y लिख दिया और मैंने इसको सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाल ली। एक मेरे पास x की वैल्यू ये बन गई और एक ये बन गई। ठीक है, दो आ गई हैं, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब ये भी x है, ये भी x है, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2 इक्वल, दोनों को इक्वल कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा ट्विस्ट आ गया है कि हमारे पास यहाँ पे x है, ये भी x है, ये जो हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है और यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको इस फॉर्म में भी, अगर ये चीज़ इसके इक्वल इस तरह लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी जहाँ पे x है वहाँ y आ सकता है और जहाँ y है वहाँ पे x आ सकता है। तो इक्वेशन 1 मेरी ये भी हो सकती है, तो यहाँ से ऐसे करके मेरे पास y की वैल्यू आती है और सेम है, मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ, क्या बन सकता है मेरे पास, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। क्या किया मैंने, रिप्लेसमेंट कर दी x की y से और y की x से। ठीक है, अब मेरे पास देखिए वही चीज़ बन रही है, बस वेरिएबल चेंज कर दिए मैंने, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की सेंस चेंज कर दी। अब मैंने क्या करेंगे, कंपेयर करें, यहाँ मेरे पास y की वैल्यू, यहाँ भी y की वैल्यू है, तो मैं दोनों को यहाँ पर इस तरह y इज इक्वल टू y के दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2, इस तरह किया। ये मैंने f इनवर्स ऑफ x क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए ही ये था, मेरा a पार्ट था ही ये कि आपने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इंटरचेंज करके वेरिएबल्स को और मैंने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकाल दी, जो कि आपके सामने किसके इक्वल है, 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, बी पार्ट है हमारा एफ इनवर्स ऑफ माइनस एक्स।
सॉरी माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए, अब एक्स की जगह मुझे क्या चाहिए, माइनस वन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, पुट कर दूँगी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसमें, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन आ गया। तो ये क्या बन गया, एट माइनस माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो ये किसके इक्वल आया, सिंप्लीफाई करने से नाइन बाई टू के इक्वल आ गया। अब हमारे दो पार्ट हो गए प्रूफ, एक ये हो गया ए पार्ट और एक बी पार्ट, दोनों हमारे प्रूफ हो गए। अब हमारा क्या है, वेरीफाई उन्होंने कहा, इस पूरी चीज़ को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसकी वेरीफिकेशन करनी है कि ये x के इक्वल आता है कि नहीं आता, ठीक है। मतलब ये दोनों x के इक्वल आने चाहिए, और मतलब x के इक्वल आने का मतलब ये है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। अब यहाँ वेरीफिकेशन है, अब यहाँ मैंने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, हाँ जी, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x है। तो मैंने इसे क्या लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको मैंने इधर लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है ना, वो हमने f फंक्शन में लिखनी है, यानी जो हमारा f फंक्शन था ना, उसमें हमारे पास जो f इनवर्स ऑफ x का आंसर आया ना, इंसर्ट उसको इंसर्ट कर देना है। यानी मेरे पास f ऑफ x ये, ठीक है, f ऑफ x मेरे पास ये चीज़ है माइनस टू एक्स प्लस एट है, और मैंने f में, यानी जो मेरा फंक्शन है, इसमें मैंने x की जगह मैंने f इनवर्स ऑफ x को पुट कर दिया, ठीक है। f इनवर्स ऑफ x तो मैंने निकाला है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को मैं क्वेश्चन में पुट कर दूँगी, मैंने f वाले में सिंपल f में पुट कर दूँगी, ठीक है। तो मेरे जहाँ पे मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि मेरे x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ x के इक्वल, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, f ऑफ x होता है, ठीक है, f ऑफ x होता है। तो यहाँ पर मेरे x क्या है, इसके इक्वल है, तो मेरे पास ये चीज़ इस तरह बनती है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो फंक्शन है ना, सिंपल जो फंक्शन है, उसमें मैंने f इनवर्स x की वैल्यू को पुट कर दूँगी। इसमें मैंने x की जगह f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को पुट कर दूँगी, जहाँ जहाँ मेरे पास x होगा वहाँ वहाँ मैंने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को पुट कर दूँगी। चले अब हम करते हैं इसको, ये चीज़ थी फंक्शन मेरा, मैंने क्या किया कि पहले f इज इक्वल टू x की जगह मैंने क्या लिखा, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो कि मेरे पास थी ये, उसको लिख दिया, जो कि f क्या बन गया, f ऑफ 8 माइनस x डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अब क्या है मेरे पास, ये चीज़ बनती है f ऑफ x है, तो ये f ऑफ x मेरे पास ये फॉर्म है, ठीक है, f ऑफ x मेरे पास ये फॉर्म है। तो मैंने x की जगह क्या करना है, इस वैल्यू को, यानी जिसको हमने x के इक्वल कंसीडर किया है, उसको पुट कर देना है। यानी मेरे पास क्या था, माइनस टू एक्स प्लस एट था ना, तो मेरे पास यहाँ पे x मेरा क्या यहाँ पे है, 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इधर इसमें x की जगह इसको पुट कर दूँगी, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को, ठीक है। क्या बनेगा, माइनस टू इंटू एट माइनस एक्स डिवाइड बाई टू प्लस एट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एट, माइनस एट और माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस एट यहाँ पे बस जो बच गया वो रिमेनिंग है, ठीक है। इसको अब माइनस एट और प्लस एट दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स। मेरे पास जो है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स की इक्वल आ गई है। अब से मैंने राइट हैंड साइड का प्रूफ कर, सॉरी मिडल ये साइड है ना, ये है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और ये क्या है, मिडल। तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड मिडल साइड दोनों ने एक्स के इक्वल आना है, मींस का एक्स क्या है हमारी यहाँ पर राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस फिर से फर्दर इसको करूँगी, इसके ये क्या है मेरी सॉरी लेफ्ट, ये मिडल है, ठीक है, ये मिडल साइड है, इसको मैंने लिख लिया है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, यही है ना, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अब इसमें क्या है कि हमने f इनवर्स ऑफ x में हमने f ऑफ x की वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास
ये हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, ये पूरा इसके इक्वल है, ठीक है, ये पूरा एक फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि एफ इनवर्स वाली में, ठीक है, एफ इनवर्स वाली में, एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाले फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स को पुट करना है, यानी इसमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स में हमने एफ ऑफ एक्स को पुट करना है। हमारा ये मतलब क्या है कि पूरा जो यहाँ पे हमारा एक्स है ना, वो किसके इक्वल आता है, माइनस टू एक्स प्लस एट, ठीक है। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है ना, सपोज हमने एक्स को इसके इक्वल क्या दिया, ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एक्स यहाँ जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ वहाँ पर हमने माइनस टू एक्स प्लस एट को पुट कर देना है। है ये एफ ऑफ एक्स ही है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, बट मैं इजी करने के लिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हम सपोज है, सपोजिशन है कि ये जो चीज़ होगी ना पूरी, ये एफ ऑफ एक्स हमारा जो होगा ना यहाँ पे, वो हम इस जगह पे एक्स की इक्वल ले लेंगे, यानी एक्स की जगह इसको पुट करें, ठीक है। चलो अब करते हैं यहाँ पे 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक है, तो हमारा एक्स किसके इक्वल आता है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है ना। एक्स की जगह क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स लिख देना, ठीक है, माइनस सॉरी इक्वल टू 8 माइनस, ये मेरा एक्स है। जब उन्होंने कहा है कि एक्स हमारा किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स हमारा इसके इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या, इसके एक्स की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस टू एक्स प्लस एट डिवाइड बाई टू आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 8 माइनस को माइनस मतलब किया प्लस टू, प्लस टू एक्स बन जाएगा, और माइनस को प्लस किया तो माइनस एट बन जाएगा, और यहाँ से क्या है, 8 प्लस एट और माइनस एट दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे 2x ओवर 2 हमारे पास रिमेनिंग आ गया, 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x आ गया, मतलब हमारे पास क्या है कि दोनों साइड्स x के इक्वल आ गई हैं, ये वाली साइड और ये दोनों x के इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बस ये थी, इसको सॉल्व किया तो ये x आई, ठीक है, राइट हैंड साइड में बस ये थी राइट हैंड सॉरी मिडल साइड ये थी, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये भी क्या हो गया, x के इक्वल आ गया। तो इससे पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड मिडल साइड और क्या है राइट हैंड साइड, ये तीनों क्या है, इक्वल है, तो हमारी क्या आगे वेरिफिकेशन हो गई है। अब इसी क्वेश्चन के और भी पार्ट्स हैं तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने करना है, डेफिनेशन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड। इसमें क्या है, लिमिट के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 में, तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि लिमिट हमारी होती क्या है, तो हम करते हैं लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसको डिफाइन किस पे करना है, ओपन इंटरवल पे। ओपन इंटरवल कैसा होता है, मैं यहाँ पे राइट करके दिखाती हूँ, इस फॉर्म का होता है ओपन इंटरवल की ब्रैकेट इस टाइप की होती है, या ऐसे हो सकती है, ठीक है, ये दो तरह की ब्रैकेट होती है ओपन इंटरवल की। इसका मतलब क्या है कि ए और बी कोई से दो लिमिट पॉइंट्स हैं किसी इंटरवल के। ओपन इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है कि बाकी क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ओपन इंटरवल में होता है कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट्स है ना, वो हमारे इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करते, इंक्लूड ही नहीं होते, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई भी दो वैल्यूज हों, वन और टू, क्या इसका मतलब है कि वन और टू जो है ना, वो इस इंटरवल में मौजूद नहीं है, इनके दरमियान वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इस इंटरवल में मौजूद होंगे। वैसे मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी करवाया है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल इस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोज इंटरवल में लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है,
मतलब क्या इंक्लूड होते हैं क्लोज इंटरवल में लिमिट पॉइंट्स। क्लोज इंटरवल को इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी वन और टू क्या है, इस इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स हैं और ये इंटरवल में इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होते। ओपन इंटरवल में क्या होता है, मैंने ये जनरल चीज़ दी है ए और बी दो पॉइंट्स। ए और बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स से। तो यहाँ पे जब ओपन इंटरवल होता है तो उसमें क्या होता है कि कोई एलिमेंट है, कोई वेरिएबल है जो कि क्या करता है, इन एलिमेंट्स को अप्रोच करता है, उन एलिमेंट्स को अप्रोच करता है जो कि हमारे इंटरवल में मौजूद नहीं होते, ठीक है ना। यानी क्या है, कोई वेरिएबल होगा जो कि क्या होगा, ओपन इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स को अप्रोच करेगा। अप्रोच का मतलब ये है कि उन तक पहुँचने की कोशिश करेगा लेकिन उनकी इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई एक्स हो, हम ये नहीं कह सकते कि अब मैं कहूँ कि एक्स अप्रोचेस टू ए है या एक्स अप्रोचेस टू बी है, ठीक है। लेकिन एक्स जो है, मैं ये नहीं कह सकती कि एक्स इज इक्वल टू ए है। एक्स अप्रोचेस टू ए है, यानी वो नियर टू ए है, ठीक है, लेकिन वो इक्वल टू ए नहीं है, सही है। हमने ये चीज़ समझनी है यहाँ पे। लिमिट वाले क्वेश्चन हम इसलिए अप्लाई करते हैं, ओपन इंटरवल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अप्रोचिंग होगी बट इक्वल नहीं होगा। हाँ जी, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल, ठीक है। फंक्शन को हमने डिफाइन करना है ओपन इंटरवल पे नियर दी नंबर ए। नियर द नंबर ए यानी कोई नंबर ले लिया इंटरवल में, जो मैंने आपको भी दिखाया था, ए और बी जो नंबर दिखाए थे ना, ये उनमें से एक नंबर को अप्रोच कर रहा है। नियर, ये नियर द इंटरवल ए एंड एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी एक्स क्या है, ए को जो कि इंटरवल का एलिमेंट है उसको अप्रोच कर रहा है बट उसके इक्वल नहीं, ठीक है। अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहा है बस, बट उसके इक्वल नहीं आ रहा। फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी बोथ उसकी दोनों साइड से, उस इंटरवल में जो ए पॉइंट है उसकी दोनों साइड से, उसकी लेफ्ट साइड से, उसकी राइट साइड से उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक्स, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल, बट कहते जब एक्स अप्रोच कर रहा हो ए पॉइंट को दोनों साइड से, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, एफ ऑफ एक्स क्या अप्रोच कर रहा होता है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा होता है एल से, यानी कोई नंबर है एल हमारे पास आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा जो फंक्शन है वो उस नंबर एल को अप्रोच कर रहा होगा। इस पूरी गेम का मतलब ये है। देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये उन्होंने डिनोटेशन बता दी कि रिटर्न एल को लिखते कैसे हैं, लिमिट एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए कहते हैं इसको, या एक्स टेंड्स टू ए। लिमिट्स एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये लिमिट को लिखने का तरीका है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखना सिखा दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो नंबर है ना इसके ऊपर माइनस का साइन आ जाता है, बाकी सारी चीज़ ऐसे ही रहती है। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, जो नंबर होता है उसके ऊपर क्या होता है, प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन यहाँ पे क्या मेरा फंक्शन है, ठीक है। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने क्या किया, इसके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया, ये लिमिट पॉइंट के ऊपर, ये मेरा ए इज इक्वल टू वन है, और राइट में क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे क्या, एक्स की जगह क्या, वन पुट कर दिया। चाहे हम प्लस लिखें लिमिट के ऊपर, चाहे माइनस लिखें, नंबर हमने प्लस वाला से पुट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस नंबर को पुट कर देंगे, एक्स या क्या वन पुट कर देंगे, तो दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा जी। अब हमने करनी है थ्योरम, ये थ्योरम इसलिए है ताकि हम एक्सरसाइज 1.1 अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उनको थ्योरम्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर्स, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से क्या है, ए और बी और सी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। यानी ए बी और सी भी क्या है, कोई नंबर्स हैं, कोई कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं।
अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, लिमिट x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस टू a b, ये b साथ लिखा से मल्टीप्लाई हो रहा तो साथ लिखा हुआ है। b क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब कोई अकेला कॉन्स्टेंट होगा और उस पर लिमिट अप्लाई करें तो वो कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट ही आंसर में दोबारा आ जाएगा, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर हो लेकिन वो कॉन्स्टेंट क्या होगा, दोबारा आ जाएगा। जैसे अब b यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, उस पर मैंने लिमिट भी अप्लाई की है लेकिन उसका आंसर क्या है, फिर भी b ही है, ठीक है। अगर b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है और वो अकेला है, यानी अकेला की कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, वही कॉन्स्टेंट होगा। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है कि x के साथ क्या आ गया है, यानी b के साथ क्या कोई वेरिएबल आ गया है x, ठीक है। b के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल है तो अकेला तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। पहले क्या देखने का, अगर टर्म्स बनी हुई हैं तो हम क्या करते हैं कि लिमिट को हर टर्म के साथ अलग अलग करके लिख देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अगर इस टर्म के साथ लिमिट को लिखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है तो कॉन्स्टेंट हम क्या करते हैं, लिमिट से बाहर लिख देते हैं, यानी लिमिट से पहले हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट्स को ले जाते हैं और उसके बाद लिमिट के बाद हम अकेला वेरिएबल लिख देते हैं। तो ऐसे ही मैंने किया, मेरे पास एक टर्म ये थी, पहले मैंने क्या करना है कि लिमिट को हर टर्म के साथ सेपरेटली लिख देना, उसके बाद वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट होगा उसको क्या करना है, स्टार्ट पे ले आना है, मैंने लिमिट उस टर्म से पहले ले आना है। मीन्स क्या कि यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो बी बनेगा, बी क्या कॉन्स्टेंट है तो b और x यहाँ वेरिएबल है, तो क्या हुआ कि इसी टर्म में मैं b को मैं लिमिट से पहले लिख लिया मैंने, एंड लिमिट लिखी, फिर लिमिट x टेंड्स टू a और x क्या है एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास एक और टर्म है c। अब c क्या है, अकेला कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हम मैंने क्या किया, पहले इस टर्म के साथ लिमिट अप्लाई की, अब मैं इस टर्म के साथ अप्लाई करूँगी, ठीक है। बेशक यहाँ पे अकेला एक कॉन्स्टेंट है लेकिन ये टर्म है, ठीक है, सेपरेटली हमारे पास टू टर्म है। अब मैंने सी के साथ भी लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x टेंड्स टू a एंड c। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सी भी एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ b भी एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टेंट में लिमिट अप्लाई की जाए, अकेला कॉन्स्टेंट हो और लिमिट अप्लाई की जाए तो क्या होता है, वो कॉन्स्टेंट हमारे पास दोबारा आ जाता है, यानी आंसर में हमारे पास क्या होता है कि वही कॉन्स्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है, सी है, सॉरी सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ही होगा। अब क्या करना है, अब यहाँ जहाँ पे एक्स है वेरिएबल है ना एक्स, वहाँ पे मैंने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। मेरी लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू ए है, यानी मेरे पास क्या है ए पॉइंट है, यानी एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है ए के पास, तो मैं क्या करूँगी जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर मैं ए को लिख दूँगी, यानी एक्स है यहाँ पर तो मैं x की जगह क्या करूँगी a को पुट कर दूँगी। तो इनको मल्टीप्लाई किया, बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, वो कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बी ए लिख लिया प्लस थी, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास इसका थर्ड प्रॉपर्टी है, लिमिट x टेंड्स टू a ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस एक्स। पिछले फर्स्ट वाला क्या था, सिंगल कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ रही, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म का, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म का मैंने बताने की कोशिश की है कि हम डिवाइड की फॉर्म के क्वेश्चन को लिमिट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने लिमिट पुट करके चेक करना है कि कहीं हमारे पास नीचे लिमिट पुट करने से आंसर ज़ीरो तो नहीं आ रहा। अब जैसे यहाँ पे है मेरे पास क्या है, x टेंड्स टू a है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है a, हमने पुट कर दी, तो यहाँ मैं नीचे क्या करूँगी, पहले मैं पूरे क्वेश्चन में क्या करूँगी कि x की जगह क्या करूँगी a पुट कर दूँगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है a प्लस एक्स है, मैं नीचे पहले देखती हूँ कि a प्लस एक्स है, ठीक है, मैं x जगह क्या करूँगी a पुट कर दूँगी, यानी a प्लस ए मेरे पास क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा।
अब देखिए नीचे जो डिवाइज़र है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास ज़ीरो नहीं आ रहा, लिमिट पुट करने से मेरे पास ज़ीरो नहीं आ रहा, तो क्या है इसका मतलब क्या है कि मेरा सॉल्यूशन ठीक होगा, मैं जो भी मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँगी मेरा आंसर ठीक आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पे पुट करने से, यानी मेरे पास सपोज यहाँ पे ए माइनस एक्स होता, तो मैं यहाँ पे क्या करती, लिमिट अप्लाई करती, लिमिट पुट करती, तो मेरे पास अगर ए माइनस एक्स है यहाँ पे, तो मैं एक्स जगह क्या लिखूँगी, ए लिखूँगी, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा मेरे पास। तो जो कि समथिंग ओवर ज़ीरो की जो फॉर्म है, अगर मेरे पास टीचर डिवाइज़र में ज़ीरो आ जाता है तो उसका मतलब क्या है कि समथिंग ओवर ज़ीरो की फॉर्म बनती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये अनडिफाइंड है, लेकिन हमने तो इसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है, वो आप एक्सरसाइज में करेंगे। यहाँ मैं आपको सिंपल बता देती हूँ आपको। अब लिमिट, अगर हमारे पास डिवाइड वाली फॉर्म का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर लिमिट अलग लेनी है, नीचे अलग से लिमिट लेनी है, क्या करेंगे, इसी लिमिट को पहले ऊपर एक दफ़ा हर टर्म के साथ लिखेंगे और फिर क्या करें, नीचे एक दफ़ा हर टर्म के साथ लिख देंगे। अब मेरी पहली टर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, तो मैंने ए मेरा कॉन्स्टेंट है, ए क्या हुआ स्टार्ट पे आ गया, और मैंने एक्स स्क्वायर के साथ क्या किया, लिमिट लिख दी है। यानी क्या है, लिमिट से पहले मेरा कॉन्स्टेंट आ गया, फिर लिमिट लिखी, फिर एक्स स्क्वायर लिख दिया। ऐसे बी बी एक्स है, ठीक है, बी भी एक कॉन्स्टेंट है, बी स्टार्ट पे आ गया और लिमिट से पहले आ गया बी, और मैंने लिमिट अप्लाई किया साथ में एक्स लिख दिया, ऐसे मैंने सी के साथ लिमिट अप्लाई कर ली। देन मैंने नीचे डिवाइजर में किया है, लिमिट अप्लाई की है नीचे पहले टर्म के साथ ए के साथ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एंड ए प्लस लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ पर मेरे पास एक्स है वहाँ पर मैं क्या करूँगी, लिमिट अप्लाई कर दूँगी, जो कि हमारे पास क्या है, एक्स टेंड्स टू ए है, यानी एक्स की वैल्यू हमने ए पुट कर दी। तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या करूँगी, a पुट कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे मैं x जगह क्या करूँगी, a पुट कर दूँगी, मेरे पास यहाँ पे भी a हो जाएगा, और ये c एक अकेला कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या c ही हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि a प्लस एक्स है, अब यहाँ मैंने लिमिट अप्लाई किया, तो यहाँ मेरे पास x है, x में मैंने लिमिट पुट करनी है ना, तो यहाँ पर x जगह मैं क्या करूँगी, a पुट कर दूँगी। इसको अब सिंप्लीफाई करूँगी, a इंटू ए स्केयर बनता है, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा, ठीक है, बी ए और a भी लिख दिया, ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे b लिखो पहले या a लिखो, ठीक है, ये नंबर्स होती हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट को हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं। और c ऐसे प्लस c ऐसे ही आ गया, a प्लस a टू ए मेरे पास बन गया, ये मेरे पास क्या सोल्यूशन हो गया, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 का, इसमें क्या है, इवेल्युएट इज लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। वो कहता है थ्योरम ऑफ लिमिट्स को यूज़ करके क्या करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, लिमिट है एक्स टेंड्स टू सी है, 2x प्लस 4 है, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, टू टर्म्स हैं, मैं क्या करूँगी कि लिमिट को दोनों टर्म्स के साथ सेपरेटली लिख दूँगी, और फिर मैं क्या करूँगी, मेरे पास टू और फोर में बस मेरे पास यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो मैं टू को स्टार्ट पे ले आऊँगी, जब मैं फर्स्ट टर्म के साथ लिमिट अप्लाई करने लगूँगी, तो मैं क्या, कॉन्स्टेंट को मैं स्टार्ट पे ले आऊँगी, यानी टू को मैं लिमिट से पहले लिख दूँगी, और जब क्या बनेगा, टू लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री और एक्स एस के साथ आ जाएगा, ठीक है, एक्स वेरिएबल है तो एक्स हमने फ्रंट पे लिखना होता है लिमिट के बाद, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री और ये फोर अकेला कॉन्स्टेंट है तो ये इस तरह ही आ जाएगा, वो लिमिट से पहले बाद में ही आएगा। अब मेरे पास क्या है, एक्स टेंड्स टू थ्री है, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, थ्री है, तो मैं क्या करूँगी कि एक्स जहाँ पर होगा वहाँ पर थ्री लिख दूँगी, मेरे पास यहाँ पर एक्स है तो मैंने यहाँ किया एक्स जगह क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया, टू ऐसे ही आ जाएगा और x की जगह क्या आ गया, थ्री आ गया, प्लस ये क्या है, अकेला कॉन्स्टेंट लिमिट के साथ, अकेला एक ही कॉन्स्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो वो कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा फोर।
3 2 6 हो गया प्लस 4 ऐसे ही आ गया, हमारे पास क्या आ गया आंसर 10 आ गया। अब वैसे इसका सेकंड पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3, अब यहाँ पे 3 टर्म है मेरे पास, ठीक है, तो मैं हर टर्म के साथ अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगी कि इस 3 को स्टार्ट में ले जाऊँगी, ठीक है, लिमिट से पहले लिख दूँगी, फिर मैं लिमिट लिखूँगी x टेंड्स टू c, और मेरे पास वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर है, उसके बाद मैं क्या करूँगी लिमिट के बाद वेरिएबल अप्लाई कर दूँगी यानी x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म है माइनस 2x, अब फिर क्या है माइनस 2 मैं स्टार्ट पर लिख दूँगी, लिमिट मैं अप्लाई करूँगी x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या x लिमिट के बाद आ जाएगा यानी वो वेरिएबल है, प्लस यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग जब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अलग अलग टर्म के साथ लिमिट ना भी लिखो, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो तो भी ठीक होगा। हाँ जी, अब मैंने क्या किया कि ये थर्ड टर्म थी मेरे पास 4, मैंने इसके साथ भी क्या किया है लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास क्या बन रहा था, 3 यहाँ पे मेरे पास ऐसे ही आ गया, ठीक है, वो कांस्टेंट है, और x स्क्वायर यानी x की जगह क्या है मैंने लिखना है 1, लिमिट अप्लाई कर दी 1 स्क्वायर बन गया, यहाँ पे x था यहाँ भी 1 अप्लाई कर दिया, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दी, मेरे पास ये फॉर्म बन गई है। और 4 एक सेपरेटली कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो वो एज इट इज़ ही हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसको मैंने सॉल्व किया है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और 3 वन ज़ार क्या हो गया 1 हो गया, 2 वन ज़ार 2 हो गया, और 4 ऐसे एक में मेरे पास क्या बच गया 3 माइनस 2 प्लस 4, तो 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 हो गया, और 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा क्या है आंसर है सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट है इसका लिमिट x टेंड्स टू 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अब हमारे पास ये क्या आ गया क्वेश्चन स्क्वायर रूट की फॉर्म का आ गया, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो स्क्वायर रूट तो अगर आ जाए पूरी टर्म की हो तो ये वो एक ही टर्म बनती है, बेशक इसके अंदर डिफरेंट टर्म है, ठीक है, लेकिन जब पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो उसने इसको एक सिंगल 1 टर्म बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसको हमारे लिए एक ही टर्म है, तो यहाँ तो उन्होंने पहली लिमिट अप्लाई की हुई है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे सिंपल x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, यानी स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 में हम क्या करेंगे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट x का क्या जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, और ये 3 आ गया प्लस 4 बस स्क्वायर रूट आ गया, इनको ऐड किया तो ये क्या बना 16 यानी स्केयर रूट 16, तो स्केयर रूट जो 16 है वो किसके इक्वल होता है 4 के ऊपर, 4 के इक्वल होता है। अब सेम हमारे पास है क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x अप्रोचेस टू भी कह सकते हैं, x टेंड्स टू 2 भी कह सकते हैं, x इंटू स्केयर रूट x स्केयर प्लस माइनस 4, ठीक है। अब x यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे स्केयर रूट के साथ, लेकिन ये हमारे पास टर्म एक ही है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग करते हैं कि हमारे पास कोई भी जैसे 2x हमारे कोई टर्म हमारे पास कोई टर्म हो, दो चीज़ें मल्टीप्लाई और पीछे कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और x मल्टीप्लाई और ये दो चीज़ें हैं, लेकिन ये टर्म तो एक है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें भी, तो यहाँ पे 2 आ गया स्केयर रूट 2 स्केयर माइनस 4 आ गया। अब 2 स्केयर का लिखा जाए तो 4 के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 माइनस 4 का जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम है इसका फिफ्थ पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 2 स्केयर रूट x क्यूब प्लस 4 माइनस स्केयर रूट x स्केयर प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं,
एक टर्म क्या है स्केयर रूट एक्स के एक्स क्यूब प्लस वन है और सेकंड टर्म क्या है माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस फाइव। अब मैंने क्या किया इन दोनों टर्म से क्या किया पहले सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट एक्स टेंड्स टू टू स्केयर रूट एक्स क्यूब प्लस वन माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस फाइव। ठीक है अब क्या किया मैंने पहले लिमिट सेपरेटली अप्लाई कर दी दोनों टर्म्स पे। अब मैं क्या करूँगी कि जहाँ दोनों टर्म में मैं लिमिट अप्लाई करूँगी एक्स टेंड्स टू टू। ठीक है मैंने जहाँ जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू टू पुट करूँ तो मेरे पास क्या बना स्केयर रूट टू क्यू प्लस वन माइनस मैंने यहाँ पे पुट की पर लिमिट इस टर्म में जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी माइनस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस फाइव। ठीक है इसको मैंने इक्वल टू किस किया जाता है स्केयर रूट टू का क्यूब क्या होता है एट के इक्वल होता है ये प्लस वन ऐसे ही आ गया माइनस स्केयर रूट टू का स्केयर फोर प्लस नाइन स्केयर रूट नाइन ये बन इसको एडअप किया तो स्केयर रूट नाइन बन गया माइनस स्केयर रूट नाइन तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये इनका आंसर क्या गया जीरो के इक्वल आ गया। अब हमने क्या किया है हमारे पास हमने एक्सरसाइज 1.3 के फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए यानी फर्स्ट क्वेश्चन के फाइव पार्ट्स अटैम्प्ट कर लिए। ठीक है तो इसमें मैंने आपको थ्योरम भी समझाया ठीक है वो भी डिटेल से बताया कि आपने क्या क्या सोच के कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है स्पेशली यहाँ पर डिवाइड में हमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी मैं उसका भी बताया कि हम क्या करते हैं पहले हम चेक करते हैं हमारे पास नीचे डिवाइजर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है और आज हमने क्या किया है इतना काम कर लिया एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस किए थे इसको क्वेश्चन नंबर हमने टू किया था। ठीक है और लिमिट की डेफिनेशन की है और बाकी 1.3 के क्वेश्चन किए हैं। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन बाकी अटैम्प्ट करके देखिएगा यानी क्वेश्चन नंबर इसका सिक्स भी अटैम्प्ट करके देखिएगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।